हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एंड तक देखना। और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले यहाँ पे एक डे बुक खोल लेते हैं। तो DD इसका शॉर्टकट है डे बुक का। और यहाँ पर हम लोग एक पीरियड दे देते हैं पूरे साल का। मेरे पास ज़्यादा एंट्रीज नहीं है, बट आप लोगों के पास बहुत होगी। ये देखिए, यहाँ नीचे 32 एंट्रीज और है, मैंने ऐसे ही डमी फॉर एग्जांपल के लिए करके रखी है। आप लोगों के पास कंपनी का डेटा होगा तो बहुत सारी थाउजेंड्स में एंट्रीज होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कन्वेंस के बारे में देखेंगे कि कन्वेंस का जो भी पेटी कैश से जाता है वो कैसे देख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करके कौन से तरीके से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वे में देख सकते हैं बाइफर्केट करके। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको वो भी पता चलेगा। एक शॉर्टकट तरीका था इफ़ेक्टिव वे में, और ये एक तरीका है जो हर एक अकाउंटेंट फॉलो करता है ऑफिस में, जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये एंट्रीज ऐसे ही करते हैं सब लोग, बट नरेशन लिखना ज़रूरी है इसमें। अगर आप नरेशन प्रॉपर लिखते हैं और आपके पास 2-2.5 हज़ार तक का भी डेटा है पूरे साल का एंट्रीज़ का, 3,500 भी है, तो भी आप आराम से निकाल पाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पेटी कैश का डिटेल निकालना है, तो ये मैंने डे बुक निकाला और मैंने यहाँ पे एक साल का पीरियड दिया है। अभी हम लोग यहाँ से रेंज में जाएंगे, रेंज में वाउचर में जाएंगे, और यहाँ से हम लोग नरेशन में जाएंगे। वाउचर हैविंग नरेशन कंटेनिंग, क्या नाम होना चाहिए यहाँ पे, मेहुल। मेहुल के बारे में हमें डिटेल निकालनी है कि मेहुल कब कब पैसे लिया है हमसे। तो हम लोग वाउचर बुक में जाके, फाइल में जाके घुमा घुमा के तो देखेंगे नहीं, वो जो वाउचर का छोटा फाइल रहता है। और यहाँ पे भी हमने ट्रैवलिंग में दिया है, टी एक्सपेंस में दिया है, कहाँ का दिया है। तो यहाँ पे ये एक शॉर्टकट है, एक बहुत अच्छा तरीका है, एंटर एंड ऑफ लिस्ट। देखिए, मेहुल को हमने 5 बार दिया है। ये मैंने ऐसे ही डमी डेटा बनाया है तो 5 बार डाला है, बट आप लोगों के पास हर महीने का 5-5, 6-6 बार का एंट्रीज होगा, रोज़ का एंट्रीज होगा, तो वो आपको ये बहुत अच्छा पड़ेगा अगर ऐसे करोगे तो। नरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये नरेशन का जो सेकंड वाला है इसको यस कर देंगे, कंट्रोल ए। देखिए, यहाँ पे नरेशन निकल गया। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, यहाँ नरेशन में लिखा है बीइंग अमाउंट पेड टू मेहुल फॉर लंच वाउचर अटैच्ड ऑफ होटल बिल 150 रुपया। यहाँ पर ट्रैवलिंग लिया है इसने, बस फेयर। यहाँ पर देखो मेहुल, यहाँ पर मेहुल, यहाँ पर मेहुल, यहाँ पर मेहुल, यहाँ पे मेहुल। अगर आपने नरेशन में लिखा है तो ये आएगा ज़रूर। देखिए, एंटर करके दिखा दो आपको। अगर आपने नरेशन में लिखा है नाम, नाम डालना ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से अपना दिमाग लगा के एक्सप्लोर करके आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे तरीके आप अपने शॉर्टकट्स निकाल सकते हो टैली में। आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, इस हिसाब से आप वो फाइल निकाल सकते हो जिसमें वाउचर था, और वो दिखा सकते हो बंदे को कि ये महीने में तूने हमसे पैसे लिए हैं। अभी देखिए, और एक का हम ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेंज में जाते हैं, वाउचर नरेशन में जाएंगे, कंटेनिंग सुरेश। अभी सुरेश बंदा भी आपके यहाँ काम करता है, उसकी डिटेल आपको निकालनी है। सुरेश में गए, एंड लिस्ट किया। देखिए, सुरेश ने यहाँ पे मैंने 2 ही बार डाला हुआ है। ये टी एक्सपेंस का 1 बार का 15 रुपीज़ है, और एक कन्वेंस चार्जेस है 44 रुपीज़। सुरेश का हो गया। और एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेंगे दोस्तों। रेंज में गए, वाउचर में गए, नरेशन कंटेनिंग रमेश डालते हैं। देखिए, रमेश ने, मैंने यहाँ पे 5 डेटा डाला। एक बार देखिए, बीइंग अमाउंट पेड टू रमेश फ्रॉम अंधेरी स्टेशन टू विलेपाल स्टेशन ऑटो चार्जेस। ऐसे करके आपका ये बहुत लंबा खुलेगा। ये यहाँ पे मैंने बहुत कम एंट्रीज डाली है, आपका बहुत ज़्यादा खुलेगा। ये आपका हो सकता है 1 वीक का 5-6 एंट्रीज हो एक ही बंदे का। तो ये बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा जब आप ये करोगे, तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। अभी देखिए, दूसरा एक देखते हैं। ये पूरा डे बुक खोल लिया है साल का। देखिए, यहाँ पे जाके डिस्प्ले में जाके ये डे बुक सेकेंड वाला पूरे साल का खोल लिया, पीरियड देखे 1/4/2021 से यहाँ तक का पूरे साल का खुला है। अभी यहाँ देखिए, कॉन्फिगरेशन रेंज में जाना है, वाउचर में गए। अभी आपको कुछ और पता करना है, समझ लो आपने किसी को चेक दिया था, हाँ चेक दिया था आपने कोई नंबर का, और वो आपको, आप चेकबुक में डालना भूल गए, वो नंबर आप चेकबुक में डालना भूल गए हो जो पीछे हम लोग रेफरेंस के लिए लिखते हैं, और आपको याद नहीं है वो चेक नंबर। बट आपको चेक नंबर याद है, बट आपको पता नहीं आपने किसको दिया है। ठीक है, मैंने आपके, ये देखिए 213654, यहाँ पे ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक चेक नंबर डाल के रखा है, बट आपको नहीं पता है ये 213654, मैं खुद भूल गया था इसलिए मुझे जाके देखना पड़ रहा है। तो ये आप ऐसे रेंज में जाओगे,
वाउचर में जाओगे, नरेशन में जाओगे। मैं आपको एक तरीका खाली बता रहा हूँ, 21364 अभी याद है मुझे। मैं आपको खाली एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे टैली आपको क्या क्या काम में आती है। ये देखिए 21364, ये पर्सन के नाम पे चेक इशू किया था 21364। अगर आपके पास नंबर है, 15 दिन पहले की बात है, अभी तक आपने बैंक में भी नहीं डाला है, या आप इशू कर चुके हो उसको बट उसने बैंक में नहीं डाला है, या तो आपका पैसा डिडक्ट हुआ है बैंक से ये चेक के नाम पे, तो कोई भी तरीका हो सकता है। मतलब ये तो मैं आपको एक खाली एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। अभी दूसरा देखिए, मैं आपको एक स्टॉक का बताता हूँ। अभी ये स्टॉक में गए आप, ये स्टॉक है मेरा, देखिए आइटम वाइज में चले गए। स्टॉक में कैसे जाते हैं, ये देखिए SS दबाया और ये आइटम वाइज में चले गए। अभी आपको यहाँ पे भी ये रेंज यूज़फुल होता है। यहाँ पे आप अगर रेंज में जाते हो, स्टॉक आइटम में जाते हो, यहाँ पे भी आप नरेशन डालते हो, समझ लो आपने नरेशन, सॉरी ये क्लोजिंग वैल्यू में गए समझ लो हम लोग, और यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन में गए। अभी आपको 5000 रुपीज़ से ऊपर की आइटम्स देखनी है कि 5000 से महंगे आइटम, 5000 से ज़्यादा क्लोजिंग वैल्यू का स्टॉक कौन सा पड़ा हुआ है। ये देखिए ये 5000 के ऊपर के आ जाएंगे। यहाँ पे बैग जाके दिखाता हूँ, देखिए 6500 से कम वाला भी स्टॉक था हमारे पास, ये देखिए 1100 और 1400। तो ये ऐसे आप देख सकते हो स्टॉक। अभी समझ लो मुझे 50000 के ऊपर का चाहिए, देखिए ये सब हाइड हो जाएगा, 38000 39000 1100 1400 ये सब हाइड हो जाएगा। मुझे 50000 के ऊपर का ही स्टॉक देखना है मेरे को। अगर हम लोगों को रिपोर्ट देनी है कि भाई आपके पास बड़ा बड़ा कौन सा वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 50000 के ऊपर का बताओ। स्टॉक आइटम में गए, क्लोजिंग वैल्यू में गए, यहाँ पे ग्रेटर देन 50000 डाल दिया आपने, एंड ऑफ लिस्ट किया, देखो आपको 50000 के ऊपर के स्टॉक का सब पता चलेगा। ऐसे एक 87000 था और एक ये था बस, बाकी सब तो ये 50000 के नीचे के ही है। ये 50000 के नीचे का देख के बताएंगे तो देखो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे डेटा दिख जाएगा, लेसर देन 50000। देखिए इसमें ज़्यादा डेटा दिख जाएगा आपको, बिकॉज ये 50000 से ज़्यादा स्टॉक अंदर है। अभी डे बुक में और एक चीज़ देखते हैं, DSS सॉरी DD, ये इसका शॉर्टकट है 142021। और एक चीज़ देखनी है, समझ लो आपने डिस्प्ले के लिए माल मंगाया है। आपके बॉस आपको बोलते हैं कि वो डिस्प्ले के लिए माल आया था, ज़रा वो बिल निकाल के दो। आपको नहीं पता है, आप भूल चुके हो, आप बहुत सारी एंट्रीज कर चुके हो, बट आप नरेशन में हमेशा डालते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो दो जगह पे डिस्प्ले में मैंने नरेशन डाला हुआ है, जैसे वो चेक नंबर मैंने डाला था आपको बताने के लिए, वैसे ही यहाँ पे दो जगह नरेशन में मैंने डिस्प्ले डाला हुआ है, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे पता लगा सकते हो। आप बहुत सारी पार्टी से माल लेते हो, 20-20 लोगों से माल लेते हो रोज़, बट आपको याद नहीं आपने डिस्प्ले का माल किससे लिया था, और वो कौन सा माल है जो आपके कंपनी के स्टोर में डिस्प्ले में लगा हुआ है। अभी यहाँ पे आप वाउचर में जाओगे, वाउचर में जाने के बाद वही सेम नरेशन में जाओगे, नरेशन में जाने के बाद कंटेनिंग में जाओगे, और यहाँ पे आप डालोगे डिस्प्ले, डिस्प्ले डाला एंड करोगे। देखो ये दो चीज़ निकल गई, मैंने आपको बोला था मैंने दो जगह नरेशन डाल के रखा हुआ है डिस्प्ले में। कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, आपके पास हो सकता है 20-25 एंट्रीज हो डिस्प्ले की, यहाँ पे नरेशन ऑन करोगे, कंट्रोल ए करोगे, देखो नरेशन आ जाएगा। देखो डिस्प्ले आइटम्स यहाँ पे भी देखिए, ये समझ लो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए ऐसा है 545 बाट टब्स, यहाँ पे 550 है, 545 बाट टब्स आपने प्रोजेक्ट के ऑर्डर के लिए मंगाए थे, और 5 बाट टब आपने स्टोर डिस्प्ले के लिए मंगाए थे। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आइटम्स, टैबलेट, ईयरबड्स, तो इस तरीके से पता चल जाएगा आपको, नरेशन में डालोगे तो पता चलेगा। ये रेंज बहुत ही काम की चीज़ है, ये जो ऑल्ट F12 है, इससे आपको पता चलेगा, आपके बहुत सारे काम ये आसान कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बहुत सारी वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड थैंक यू, बाय।